तो अवेंजर्स एंड गेम के बाद हम सब वेट कर रहे थे कि एमसीयू का फेस पर अनाउंस हो, और सैन डिएगो कॉमिक कॉन में ऐसा ही हुआ। सैन डिएगो कॉमिक कॉन काफी जबरदस्त था, क्योंकि उसमें से मूवीज ही नहीं बल्कि पहली बार डिज्नी प्लस पर आने वाले टीवी शोज भी अनाउंस किए गए। पर जब से सैन डिएगो कॉमिक कॉन में फेस 4 अनाउंस हुआ है, तब से अगली अवेंजर्स मूवी के साथ साथ एक क्वेश्चन और है जिसके आंसर का फैंस वेट कर रहे हैं कि एमसीयू का फेस 4 सिर्फ 2 साल का ही क्यों है, जबकि पिछले फेसेस 3 या 4 साल के थे। तो वेलकम बैक गाइस, आप देख रहे हैं सुपर हीरो नाइट और मेरा नाम है अनुराग सक्सेना, और आज के इस वीडियो में हम इसी क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर हम एमसीयू के पिछले फेजेस की बात करें, तो एमसीयू का फेज 1 4 साल का था, जिसमें हमें टोटल 5 मूवीज देखने को मिली, जैसे आयरन मैन, द इनक्रेडिबल हल्क, आयरन मैन 2, थॉर, कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट अवेंजर एंड द अवेंजर्स। और फिर उसके बाद आया एमसीयू का फेज 2, जो कि 3 साल का रहा, और इसमें हमें टोटल 6 मूवीज देखने को मिली, जैसे आयरन मैन 3, थॉर द डार्क वर्ल्ड, कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1, अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन और एंट मैन। एंड फाइनली इसके बाद हमें देखने को मिला एमसीयू का फेज 3, जो कि 4 साल का था, और इसमें हमें टोटल 11 मूवीज देखने को मिली, जैसे कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, डॉक्टर स्ट्रेंज, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2, स्पाइडरमैन होमकमिंग, थॉर रैग्नारोक, ब्लैक पैंथर, अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, एंटमैन एंड द वास्प, कैप्टन मार्वल, अवेंजर्स एंड गेम एंड स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम। और अब यानी सैन डिएगो कॉमिक कॉन में एमसीयू का फेज 4 भी अनाउंस हो चुका है, जो कि सिर्फ 2 साल का है, और इसमें 5 मूवीज और 5 टीवी शोज हैं, और इन मूवीज और टीवी शोज के नाम हैं ब्लैक विडो, थॉर लव एंड थंडर, डॉक्टर सिन इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, एटर्नल्स और शैंची एंड द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स। और टीवी शोज के नाम हैं वांडा विजन, लोकी, हॉकाई, द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर और व्हाट इफ। तो अब अगर उस क्वेश्चन की बात करें कि क्यों एमसीयू का फेज 4 सिर्फ 2 साल का है, तो कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ऐसा डिज्नी ने जानबूझ कर किया है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि अब पूरा मार्वल स्टूडियोज डिज्नी के अंडर आता है, और डिज्नी ने अभी अपनी स्ट्रीमिंग सर्विस डिज्नी प्लस लॉन्च की है, तो इसलिए डिज्नी ये चाहता है कि फैंस और बाकी लोग की मूवीज के साथ साथ डिज्नी प्लस के टीवी शोज भी देखें, ताकि डिज्नी की स्ट्रीमिंग सर्विस भी चले। क्योंकि अगर डिज्नी ऐसा नहीं करता और अपने शोज के साथ ही मार्वल को और भी मूवीज फेज 4 में अनाउंस करने देता, तो शायद डिज्नी की स्ट्रीमिंग सर्विस डिज्नी प्लस पर बुरा इफेक्ट पड़ता, जिससे डिज्नी की स्ट्रीमिंग सर्विस डिज्नी प्लस का प्रॉफिट और हालत दोनों ही डाउन हो जाती। और इसी हालत और लॉस से बचने के लिए डिज्नी ने एमसीयू फेज 4 की मूवीज के साथ साथ अपने टीवी शोज भी लॉन्च किए, और मेरे हिसाब से शायद ये ठीक भी हुआ, क्योंकि मेरे हिसाब से शायद इन टीवी शोज में हमें कुछ मूवीज के बीच की बची हुई स्टोरी देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पर आपको अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर प्रीलूड कॉमिक याद होगी, जिसमें हमें कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के बाद सब कहाँ हैं और क्या क्या कर रहे हैं, ये सब जानने को मिला था। और डिज्नी ने अपनी स्ट्रीमिंग सर्विस लाके बस उसी कॉमिक की स्टोरी और डिटेल्स को एक टीवी शो में कन्वर्ट कर दिया है, जहाँ हमें सेम वही एक्टर और एक्ट्रेस दिखाई देंगे और मूवीज के बीच की बची हुई स्टोरी दिखाई जाएगी। जैसे जब अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में जब ब्रूस ने ये कहा था कि बिना माइलस्टोन के भी तुम जिंदा रह सकते हो, तो वहाँ वांडा भी मौजूद थी। तो अब जब अवेंजर्स एंडगेम का इवेंट खत्म हो गया है, तो अब कैसे वांडा विजन को शूरी के पास ले जाएगी और कैसे शूरी उसे जिंदा करेगी और उसके बाद क्या क्या होगा, वही सब हमें डिज्नी प्लस के टीवी शो वांडा विजन में देखने को मिलेगा। ऐसे ही फैल्कन एज अ न्यू कैप्टन अमेरिका और साथ ही विंटर सोल्जर अब अवेंजर्स एंडगेम के बाद क्या कर रहे हैं और कैसे फैल्कन न्यू कैप्टन अमेरिका की जिम्मेदारी और न्यू कैप्टन अमेरिका बनने की कोशिश कर रहा है, ये सारी चीजें हमें डिज्नी प्लस के टीवी शो फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में जानने को मिलेंगी। और यही रीजन है कि डिज्नी प्लस के टीवी शोज के लिए सेम एक्टर और एक्ट्रेस को कास्ट किया गया है। तो यहाँ बस डिज्नी ने यही किया है कि मूवीज के बीच की बची हुई स्टोरी को टीवी शोज में कन्वर्ट कर दिया है, जिससे सबका फायदा है। जैसे अगर हम बात करें एक्टर और एक्ट्रेस की, तो अब उन्हें मूवीज और टीवी शोज दोनों तरफ से ही पैसा मिलेगा, और अगर बात करें एमसीयू की, तो एमसीयू को भी इससे फायदा होगा, क्योंकि अब जब एमसीयू की मूवीज में कुछ बीच की स्टोरी या फैंस के मन में कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं, तो उन स्टोरीज और क्वेश्चंस के आंसर फैंस को इन टीवी शोज में मिल जाया करेंगे। प्लस इससे ये भी फायदा होगा कि जब जब एमसीयू की मूवीज रिलीज नहीं होंगी, तब भी इन टीवी शोज के थ्रू एमसीयू के फैंस और बाकी लोग एमसीयू की अभी तक की चल रही स्टोरी से कनेक्ट रहेंगे। मतलब कि ये ऐसा होगा कि मूवी की स्टोरी खत्म हुई और उसके बाद आय की स्टोरी टीवी शो में चली, और टीवी शो की स्टोरी के बाद अगली मूवी की स्टोरी वहीं से शुरू हुई। मतलब कि टीवी शोज और मूवी की स्टोरी कनेक्ट होकर चलने वाली है। और अगर इसी चीज का मैं एग्जांपल दूं, तो इसका सीधा एग्जांपल है फेज 4 की डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी, जिसमें हमें डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ साथ वांडा भी देखने को मिलने वाली है। और अगर आपने ध्यान दिया होगा
तो इस मूवी के जस्ट पहले वांडा विजन का टीवी शो रिलीज किया जाएगा और उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी आएगी। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के इवेंट के टाइम वांडा अपने टीवी शो के इवेंट में भी रहे। तो इसका मतलब साफ है कि हमें अवेंजर्स एंड गेम के बाद वांडा विजन के टीवी शो के इवेंट देखने को मिलेंगे और उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी। और हो सकता है कि इस मूवी में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा के साथ साथ विजन भी देखने को मिल जाए। तो आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा कि डिज्नी ने अपने टीवी शोज को लॉन्च करके क्या गेम खेला है और कैसे फैंस और एमसीयू के साथ साथ अपना प्रॉफिट किया है, क्योंकि अब फैंस भी मूवी खत्म होने के बाद एमसीयू की स्टोरी लाइन से कनेक्ट रहेंगे और एमसीयू भी हल्की फुल्की फैंस के क्वेश्चन वहां खत्म कर पाएगा। प्लस मार्वल को भी अब मूवीज के बीच में कंटिन्यूटी बैठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और डिज्नी मार्वल की मूवीज के साथ साथ इन टीवी शोज से भी पैसा कमाएगा और साथ ही साथ डिज्नी की स्ट्रीमिंग सर्विस को भी एक तगड़ा बूस्ट मिलेगा। तो ओवरऑल अब मेरे पास डिज्नी के लिए सिर्फ एक ही डायलॉग है, सही खेल गया डिज्नी। तो आई थिंक अब आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि क्यों एमसीयू का फेज 4 सिर्फ 2 साल का है। पर फिर भी शायद ऐसा भी हो सकता है कि मार्वल D23 एक्सपो में फेज 5 की मूवीज को फेज 4 में इंक्लूड कर दे, जिससे एमसीयू का फेज 4 4 या 5 साल का हो जाए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मार्वल D23 एक्सपो में फेज 5 और फेज 5 की मूवीज को ऑफिशियली कंफर्म कर दे। पर आपका इन सबके बारे में क्या ख्याल है ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ आप मुझे ये बताएं कि अब जब मार्वल के टीवी शोज में हमें 2 मूवीज के बीच की स्टोरी देखने को मिलने वाली है, तो अब क्या मार्वल की मूवीज की तरह ये टीवी शोज भी हिंदी में डब होंगे या नहीं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी जरूर करें। अब गाइस इस वीडियो के अलावा अगर आप थॉर लव एंड थंडर या इस मूवी के विलेंस के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप ये दोनों वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। आई एम श्योर आपको ये जरूर पसंद आएंगी। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मैं जरूर मिलूंगा आपसे ऐसी किसी अगली वीडियो में। वी आर सुपर हीरो फैन।